आपका क्वेश्चन क्या है? इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4 ए इज व्हाट? तो चार ऑप्शंस हैं, वन, हाफ, टू और थ्री। आपका जो आंसर है उसको आपको टिक करना है और अदरवाइज यू हैव टू राइट। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? हमारा गिवन क्या दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं। गिवन गिवन में आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। तो इससे हम क्या क्या चीज डिराइव कर सकते हैं वो आपको देखना है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को राइट साइड में लेकर आ जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो हमने एक तो ये डिराइव कर दिया और एक ये पहले से गिवन है। नेक्स्ट, अब आपको करना क्या है, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लिखते हैं। तो हमारा क्या आता है देखते हैं, हमारा आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4 ए, व्हाट इज दैट? तो इसके अंदर कॉमन क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर ए। तो हम लिख लेते हैं यहां पर कॉस स्क्वायर ए इज कॉमन, तो क्या आ गया आपका, वन प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए होता क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर ए हमने क्या डिराइव किया है, साइन ए। तो हमारा आ गया यहां पर साइन वन प्लस कॉस स्क्वायर ए इज अगेन साइन ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए को वन प्लस साइन ए के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, वी आर गेटिंग साइन ए प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर हमारा क्या होता है, वन, दैट इज इक्वल टू वन। तो हमारा आंसर क्या है, वन इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,